कुछ ही दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाया था ई रिक्शा टॉप स्पीड कंट्रोलर को। और ये कंट्रोलर में आप अगर थ्रोटल के साथ तीन वायर्स का कनेक्शन कर देते हैं तो आपका ई रिक्शा का स्पीड पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये टॉप स्पीड कंट्रोलर के साथ कौन सा मोटर लगाना सही है, जैसे कि आपका ई रिक्शा का माइलेज पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा और उसके साथ साथ आपका ई रिक्शा का स्पीड भी पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। गोपाल बाड़ोई नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? गोपाल टेक फॉर यू के बारे में तो पक्का सुना होगा यार, सब ना गोपाल टेक फॉर यू के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन गोपाल बाड़ोई के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल का नाम है गोपाल बाड़ोई ब्लॉग्स, जिस चैनल पे मैं लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स वीडियो शूट करता रहता हूँ। आप चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो ये जो हमारे सामने कंट्रोलर रखा हुआ है ये टॉप स्पीड कंट्रोलर है, क्योंकि इस कंट्रोलर के साथ ये कपलर दिया गया है। ये जो कपलर है ये थर्ड गियर ट्रांसमिशन लाइन का है और इसका कनेक्शन आप अगर अच्छा से आपका थ्रोटल के साथ कर देते हैं तो आपका ई रिक्शा का स्पीड पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये टॉप स्पीड कंट्रोलर के साथ कौन सा मोटर लगाने से आपका ई रिक्शा का स्पीड के साथ साथ आपको माइलेज भी बहुत ही ज़्यादा मिलने लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये CY गोल्ड का एक मोटर है, ये 48 वोल्ट BLDC मोटर है और ये मोटर का जो वायर्स का लेंथ है ना ये काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये वायर्स इसमें हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये CY गोल्ड का मोटर 6 मंथ का वारंटी पे रहता है और ये जो मोटर है ये 1000 वाट का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 वोल्ट 1000 वाट। तो आप लोगों ने देखा ये टॉप स्पीड कंट्रोलर के साथ ये 1000 वाट का मोटर का कनेक्शन आप अगर कर देते हैं तो आपका ई रिक्शा के स्पीड के साथ साथ आपका माइलेज भी पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो आप लोगों ने देखा टॉप स्पीड कंट्रोलर के साथ कौन सा मोटर लगाना सही है, जैसे कि आपका ई रिक्शा का माइलेज भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका ई रिक्शा का स्पीड भी पहले से ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल का नाम है गोपाल बाड़ोई ब्लॉग्स, जिस चैनल पर मैं लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।